इस बार जो फ्लैश फ्लड्स, एक्सेसिव मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से आए, उसके अंदर हमने रिव्यू लिया है अप्रोक्सीमेटली 1350 के लगभग हमारे गांव इफेक्टिव हैं, और आज उन इफेक्टेड गांव की संख्या थोड़ी सी और बढ़ सकती है, क्योंकि घग्गर का जो फ्लो फतेहाबाद के बाद पंजाब के सरदूलगढ़ और आगे सरसा में आया है, वो भी 30,000 क्यूसिक के खतरे के मार्ग के ऊपर 50,000 क्यूसिक चल रहा है। एहतियातन प्रबंध सारे कर लिए गए हैं, जहाँ पर हमारा फर्स्ट बांध ब्रीच हुआ है इमीडिएटली उसको प्लग करने का प्रयास किया गया है। जो फ्लैश फ्लड्स के कारण नॉर्दर्न हरियाणा में डिस्टर्बेंसेस आए थे, उसमें प्राथमिक तौर पर अम्बाड़ा जिले में जो ड्रिंकिंग वाटर्स के हमारी डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम था, उसको रिकवर करने के लिए फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। पानीपत में यमुना नदी दो जगह ब्रीच हुई थी, उसको कल शाम तक पूरा पैचअप कर दिया गया था। करनाल में दो जगह ब्रीच आया था, उसके अंदर एक ब्रीच को हम प्लग इन कर पाए हैं और एक को आज देर रात तक हम प्लग इन कर पाएंगे। सोनीपत के अंदर कोई भी ब्रीच बांध के उपरांत नहीं हुआ था, मगर कई ऐसे गांव थे जो समर्ज्ड एग्रीकल्चर एरिया था, मैंने स्वयं विजिट भी किया है, और आज वहां पर पानी जो है वो यमुना के मेन बेसिन में रिसेंट डाउन कर गया है। दिल्ली के अंदर अभी भी वाटर लेवल्स हाई हैं। फरीदाबाद में जो 3 लाख क्यूसिक पानी फ्लो में आ रहा था, वो क्योंकि यमुना का फैलाव अब लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर की चौड़ाई में चल रहा है, वो रिसेंट डाउन होके 1.5 लाख क्यूसिक तक आ गया, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा नेटवर्क एरिया इफेक्टेड है वो अगले 24 से 48 घंटे के बीच में पूरी तौर पर रिकवर हो जाएगा। पलवल में फ्लो अभी भी तेज है, वहाँ पर लगभग 11-12 गांव हैं जिनको हम बोट से इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और साथ में राशन और ये सुविधाएं भी समय अनुसार पहुँचा रहे हैं। आज सारे डिप्टी कमिश्नर्स को SDRF की जो नई गाइडलाइंस है उसकी हमने हिदायतें भेज दी है, साथ में जो FCR लेवल की पावर्स थी वो भी आदेश दे दिए हैं कि उसका लीगल रिव्यू करके डिप्टी कमिश्नर्स को अगर इमीडिएटली वो डेलीगेट कर दी जाए तो हम उसको तुरंत करने का काम करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 148 जगह रोड नेटवर्क्स में PWD के ब्रीचेज आया है, जिसको हम पूरा ऑन पेपर ले चुके हैं, और एस्टिमेशन 230 करोड़ का इस पे आने वाले भविष्य में खर्चा पूरी तौर पर दुरुस्त करने के लिए आ सकता है पोस्ट मॉनसून। उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है, और जो जो एग्जेम्पशंस हमने देनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम गति के साथ हो, उसके भी आदेश आज शाम तक जारी हो जाएंगे, जिससे अगले एक सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया के साथ साथ जो काम है मेजर वर्क्स का उसको हम टेकअप करेंगे। एक निर्णय जरूर लिया गया है कि जो कलवर्ट्स जहाँ रोड में कटाव आया है वहाँ पे परमानेंट कलवर्ट्स बनाने का अब हम काम करेंगे, कि इन फ्यूचर अगर वाटर फ्लो रहता है तो वो हमारे रोड नेटवर्क को इफेक्ट ना करे। सिमिलरली ये हिदायतें मार्केटिंग बोर्ड को और पंचायत को या और अदर ULB जैसे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम फॉरवर्ड कर देंगे, वो कि वो भी सिमिलर तरीके से अपने रोड नेटवर्क्स को और स्ट्रेंथन भी कर ले, और इस तरह के फ्लैश फ्लड्स के दौरान जो ये ब्रीचेज आते हैं इनकी रिकवरी के अंदर में हमारा प्रॉपर साथ दे पाए। रिवाइज्ड गाइडलाइंस में रोड्स के लिए भी कोई कम्युनिटी सेंटर्स या आंगनबाड़ी या इस तरह के कोई प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हुआ है उसके गाइडलाइंस भी हमने इशू कर दिए हैं। अगर किसी का लार्ज कैटल दुधारू पशु अगर इसके अंदर किसी को डैमेज हुआ है, मौत हुई है, उसकी भी रिकवरी और उसके पैसे जाएंगे। नॉन दुधारू जो है जैसे बुलक कार्ट्स थे उनके लिए भी, बुलक्स के लिए भी हमने पैसे अलग से एक कैटेगरी बनाकर इशू कर दिए। अगर किसी के घर में पले हुए अगर मुर्गे और इस तरह के छोटे भेड़ वगैरह थे उसके लिए भी गाइडलाइंस इशू कर दी है SDRF के अंदर, कि इमीडिएटली डिप्टी कमिश्नर्स जितना जितना डैमेज किसी की प्रॉपर्टी पे हुआ है वो पुटअप करें।
यदियातन किसी के घर को डैमेज हुआ है 20,000 से लेकर, जो हमारा डॉक्टर अंबेडकर स्कीम के इक्वलेंट जो हमने पैसा देना है, घर का भी वो देंगे, और जो 4,00,000 रुपया पर व्यक्ति अगर किसी का निधन हुआ है, जो कि कल शाम तक रिपोर्टेड 24 लोग हैं, उनके भी इमिडिएटली परिवार के मेंबर्स के खाता नंबर लेकर पैसे को पुश इन करने की डायरेक्शन दे दी गई है कि किसी को भी इस आपदा के अंदर हम आज इफेक्टेड ना छोड़ें, लोगों को वापस मोबिलाइज गांव तक किया गया। अंबाला में मेरी चर्चा हुई है, लगभग आबादी दे में 100% पानी उतर चुका है, करनाल में 100% उतर चुका है, आपके पानीपत के अंदर 100% है, सोनीपत के अंदर 100% है। थोड़ा कल रात को और कल सुबह में फतेहबाद में रंगोई नाला और घग्गर में ब्रीचेज हुए हैं, पंजाब की तरफ भी हरियाणा की तरफ भी, उनको बांधने का निरंतर प्रयास चल रहा है। मुझे लगता है कि फतेहबाद के जो अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 गांव हैं, हम उनको जल्दी से जल्दी पानी से रिसेंट डाउन होते ही निजात दिला पाएंगे। और सिरसा की स्थिति को अगले 48 घंटे में मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कल भी 4 घंटे बारिश हुई है, तो लोकल कैप्टिव एरिया में भी पानी आया है और जो रिसेंट डाउन हुआ है उस एरिया के पानी को भी हम इमिडिएटली टेकअप करेंगे। मैंने ये भी आदेश दे दिए कि इसको फ्लड के इक्वलेंट नहीं, इसको फ्लड जैसी स्थिति हम ट्रीट कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, जो हमें फ्लड रिलीफ के अंदर अब रिकवरी जो लोगों को मदद करनी है उसका भी प्रपोजल बनाकर हम जल्द भेजने का काम करेंगे। इसको फ्लड घोषित करेंगे क्या सर? बिल्कुल करेंगे। अरे ये 20,000 जो मकान का जो नुकसान है अंबेडकर स्कीम में, वो 20,000 से कितनी सीमा तक है? देखिए, इसके अंदर अलग अलग वेरिएशन है, किसी के अगर प्लिंथ के अंदर प्रॉब्लम आई है, कोई घर टेढ़ा हुआ है, उसके अलग अलग कैटेगराइजेशन बनाई गई है, और उसके अंदर एक लाख बीस हज़ार तक की सीमा है प्रति घर की, जिसके डैमेजेस के ऊपर डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट अनुसार हम पैसा दें। जो इंडस्ट्री इंश्योर्ड थी उसको तो इंश्योरेंस रिकवर करेगी, क्योंकि पोल्ट्री का आज हमने क्लॉज पढ़ा है कि किसी के पास घर में 100 मुर्गी तक की थी तो सरकार रीइंबर्स कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत, मगर आज तक कोई भी गाइडलाइंस हैचरी और इस तरह के प्लांट्स को जो इफेक्ट आया है उसके लिए नहीं आई, और उसके अंदर तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम। इंडस्ट्री का तो कोई अनुमान ना इंडस्ट्री की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि प्राइमरी कनेक्टिविटी हमारी है उसका आज रिव्यू किया था, लगभग 230 करोड़ का आज तक का रोड डैमेजेस का हमारे पास आया है, क्योंकि सिरसा फतेहबाद में पानी बढ़ रहा है, वहाँ कितनी सड़कों को टेम्परेली काटा जाता है, कितनी ओवरफ्लो का कारण इस फ्लैश फ्लड में वही है, उसको असेस करना आज बहुत जल्दी होगा। अभी पलवल में हमारे 13 या 12 गाँव हैं जो अभी भी टापू बनकर हैं, और उनको सड़क का एक्सेस पूरी तौर पर पानी के नीचे है, उन सड़कों का डैमेज असेस करना आज तो बहुत अर्ली होगा। ये तो उन एरियाज का हम असेस कर पाए हैं जिन एरियाज में पानी रिसेंट कर गया, इंजीनियर्स की टीम ने जाकर सारे एरिया को देखा है। एक अमरावती का कोई प्राइवेट ब्रिज था वो डैमेज हुआ है, एक हमारा नारायणगढ़ के अंदर ब्रिज था जो बह जाता, मगर अधिकारियों की मैं कहता हूँ कि मौके पे दुरुस्तगी थी कि उनने बोल्डर्स को अटैच कर ब्रिज को सेफ गार्ड किया, और वो हमने जो IIT रुड़की है उनके इंजीनियर से एग्जामिन करा लिया, वो फिट टू ट्रैवल है। तो ऐसा कोई ब्रिज स्ट्रक्चर हमारा डैमेज नहीं हुआ, मगर एक चीज़ बड़ी देखने को मिली कि जो हमारा डैम है पंचकुला वाला, इसके अंदर जो बोल्डर्स थे ये डैम के ऊपर से इतने भाव थे कि ऊपर से फ्लो कर घग्गर के अंदर पाए गए हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। उसके लिए भी हमने, क्योंकि वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का डैम है, उनको हिदायत दे दी है कि वो भी इमिडिएटली इंजीनियर्स की टीम के साथ उसकी फिजिबिलिटी और फिट टेस्ट भी जल्द से जल्द। लेकिन सर, एक जो विपक्ष हमेशा आरोप लगा रहा है, अभी तक भी लगे रहे हैं, कि जो बाढ़ बचाव के कार्य पहले होते हैं प्री मानसून के मौसम में, वो काम नहीं हुए, और दूसरा जो अधिकारियों में, अलग अलग विभागों के अधिकारियों में तालमेल की कमी थी। गुप्ता जी, अगर इतिहास हरियाणा का उठा के देखो, इससे जल्दी अगर कहीं पानी निकला हो इतिहास में, चाहे वो 96 की बाढ़ हो, चाहे वो 2006 के अंदर सिरसा जिले में घग्गर टूटी थी उसकी बात हो, और चाहे 1973-76 की बात हो, जितना डाटा मैंने पढ़ा देखा
मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कभी इतिहास में काम हुआ, रिहैबिलिटेशन का भी और रिकवरी का भी। और आज के दिन ये सिर्फ बेटर कोऑर्डिनेशन के कारण थी कि हम भी अधिकारी भी सारे वॉर फुटिंग पे रहे, 24 घंटे काम किया और ये रिकवर कर पाए। यमुना का बांध जब जब टूटा है, दो दो एक एक महीने तक एरिया में पानी नहीं निकला। आज आप अपने पत्रकार साथियों को कहो सोनीपत जाके देखा है, पानीपत दोनों बांध जो प्लग हो गए उनको देखा है। और अब तो हम आगे भी इसको और टेकअप कर रहे हैं कि जहाँ यमुना पे पिचवर्क नहीं हुआ हुआ आज तक जब से बांध बने हैं चौधरी देवीलाल जी के समय से, उससे लेकर, क्योंकि मैं कई इलाके में गया हूँ, वहाँ कहा गया कि 73-77 में चौधरी देवीलाल जी आए थे, उसके बाद तो कोई आया ही नहीं इस बांध को देखने। आज उसको भी हम आने वाले भविष्य में कैसे कॉन्क्रीट के साथ बंद किया जाए, चाहे उसके लिए हमें फ्लड एंड ड्रॉट से और 500,000 करोड़ देने पड़े, हम पूरे को टेकअप करेंगे। और ये चीज़ मुझे लगता है कि राजनीति इस पर करना, चाहे दिल्ली सरकार कर रही हो चाहे विपक्ष कर रहा हो, ये आज समय नहीं है। आज क्राइसिस के अंदर क्या एफिशिएंसी के साथ उसको दुरुस्त किया जाए, ये काम करने का है। और मुझे लगता है इस पूरी टीम ने, पूरी हरियाणा सरकार ने मिलकर इसको टाइम अनुसार बचा। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि जो आईटीओ के गेट जो हरियाणा के पास मेंटेनेंस के लिए है, उनका मेंटेनेंस समय पर नहीं हुआ, इससे पहले कई बार मुख्यमंत्री जी ने कल इसकी इंक्वायरी के लिए लिखा है, और मुझे लगता है 48 घंटे का समय दिया है, एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर उस पर बोलना बेहतर होगा। भूषण जी, कल दिल्ली में बैठक होने जा रही है एनडीए की, क्या आप भी उस बैठक में होंगे? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जाएंगे, और दूसरा सदस्य कौन पार्टी का होगा ये मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब तय करेंगे। क्या पक्ष रखा जाए सर, क्या पार्टी? देखिए एनडीए की बैठक है, क्या राष्ट्रीय लेवल के नेताओं के बीच में चर्चा होगी, आज कहना तो बहुत जल्दी होगा, मगर अच्छी चीज़ है कि एनडीए की बैठक रखी जा रही है, और आगे इलेक्शन ईयर भी है, मुझे लगता है बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी भी। दो दर्जन विपक्ष की पार्टी भी आज बेंगलोर के अंदर बैठी है सर, अच्छी बात है, पिछली बार बैठी थी उससे दो लोग तो कम हो गए। और आज शायद मेरे को जो अपडेट है, पवार साहब भी स्वयं नहीं गए। अगर इस तरह से विपक्ष एक होके धीरे धीरे बिखर रहा है, तो ये अपने आप में उस अलायंस का या उस गतिविधि का कमजोर होना है। लेकिन सर ये जो एनडीए ने बैठक बुलाई है, जिसमें आपकी पार्टी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अजय सिंह जी को बुलाया गया है, आपकी पार्टी को बुलाया गया है, जो गठबंधन को लेकर चर्चाएं होती थी, उसका उसके ऊपर एक तरह से विराम लग गए, क्योंकि आप तो मैं 3.5 साल से बोल बोल के थक लिया कि हम दोनों ने बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रदेश कैसे चले अलायंस किया है। और वो दिन हो आज का दिन हो, मुझे नहीं लगता हमारे मन में कोई संशय है, आपके चैनलों पे और आपके मन में कोई संशय हो उसको उसको मैं नहीं तोड़ सकता। देखिए मैंने पहले भी कहा है और दोबारा उसको लिखवा देता हूँ आपको कि आज के दिन प्रदेश को स्थिर सरकारी सरकार कैसे मिले, उसके लिए दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया। आगे इलेक्शंस के अंदर कैसे अलायंस आगे बढ़ेगा, ये चर्चा दोनों पार्टियों के नेतृत्व की है। दोनों बैठ के सीट शेयरिंग कैसे होगी, किस विषय पे कहाँ तक बात रखी जाएगी, वो आगे के भविष्य की बात है। क्या हमारे बीच में कोई मनभेद मतभेद है? बिल्कुल नहीं है, और मुझे नहीं लगता अभी कोई पैदा होने की भी स्थिति। क्रॉप डैमेज को आज रिपोर्ट करना बहुत अर्ली है, जहाँ जहाँ डिप्टी कमिश्नर्स के हिसाब से 100% क्रॉप डैमेज की रिपोर्ट आएगी, 15,000 रुपया इमिडिएटली उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जहाँ पर क्रॉप डैमेज 75% से नीचे रहेगी, क्योंकि उसकी असेसमेंट आज और फसल बेचने के बाद मिलकर करी जाती है, उसको समय अनुसार करना पड़ेगा। अगर हमें पार्शल रिलीज भी कहीं करना पड़ेगा तो उसमें बैठ के हम पॉलिसी बना लेंगे, मगर जहाँ पर फ्लड से 100% किसी का खेत वाइप आउट हो गया और उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग होगी, जिस दिन रिपोर्ट आएगी, जैसे पहले हमने सेम डे आरटीजीएस किया था, खाते के अंदर हम आरटीजीएस करकर 100% कॉम्पनसेशन देंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सत्य सटीक बेबाक।